कोई विषय है जी, 2000 का नोट। शुभार और ईश्वर में जरूर एक अंतर मेरा व्यक्तिगत रहा है, उसमें आम आदमियों को लाइन में खड़ा कर दिया गया, इसमें केवल उन्हीं लोगों को कहा गया है जो 2000 रुपये का नोट रखते। कोई विषय है जी, 2000 का नोट जो छापा वो बंद कर दिया। उस बार और इस बार में जरूर एक अंतर मेरा व्यक्तिगत रहा है, उसमें आम आदमियों को लाइन में खड़ा कर दिया गया, इसमें केवल उन्हीं लोगों को कहा गया है जो 2000 रुपये का नोट रखते हैं। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि बहुत बड़ा विषय है ये, छोटा विषय है। इस भारत में जब सभी पैसा रखने वाले, चाहे वो 10 रुपया के हों, 5 रुपया के हों, 100 रुपया वाले हों, जितने लोग हों, 500 तक के सभी नोटों को ख़त्म कर दिया गया। वो नोट आम आदमियों के पास था और उस दुर्दशा का शिकार पूरा भारत हुआ, अर्थव्यवस्था हमारी बिगड़ गई। अब ये 2000 के नोट से थोड़े दिनों में ज़रा अध्ययन करके सभी लोगों को पता चलेगा। हाँ, लेकिन आम आदमी को शायद बैंकों में लाइन लगाने के लिए, बीमार होने के लिए, मर जाने के लिए कोई विवश नहीं कर सकता है। बाकी ये बड़े नोट वाले हैं तो जिनके पास होगा, आराम से उनका बैंकिंग सिस्टम से चलता होगा, अपने काम को कर लेंगे। और 2 महीने का शायद समय भी 2 महीने का मिल रहा है। सरकार ने जो सिद्धांत पढ़ा है, काले धन पर स्ट्राइक तो पहला बार हुआ ही नहीं, क्योंकि यदि काले धन पर स्ट्राइक रहता तो 1000 रुपये के नोट से छोटा नोट बनाया गया जाता, बड़ा नोट बनाया गया, वो भारत की जनता को तंग और तबाह। और ये भी था, मनमोहन सिंह ने कहा था 2% GDP में गिरावट आएगी, उस बढ़ान अर्थशास्त्री की एक एक बात सही साबित हुई। न उससे महंगाई घटी, न उसे काला धन वापस हुआ, न उसे उग्रवाद निकला, न उसे जिसको कहते थे ये जितने भी उग्रवादी हैं उनके हाथों से पैसा हम निकाल लेंगे, इनके उग्रवाद की क्षमता खत्म हो जाए, सब बढ़ता गया और तबाह भारत हो गया। भारत को तबाह करने वाले लोगों ने अब इस बार एक नई बात लेके आए हैं। एक बात चर्चा हो रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक किस पर, श्रम अपने ऊपर, सरकार, जनता और संवैधानिक संस्थाएं अलग अलग नहीं होती, अलग अलग नहीं होती। किस पर स्ट्राइक कर रहे हो, ये बात हमारी समझ में आ तो नहीं आता है, किस पर स्ट्राइक कर रहे हो, किसको दंडित कर रहे हो। 2016 में नोटबंदी करके प्रधानमंत्री जापान चले गए। कुछ दिनों तक लोगों को भ्रम बना रहता है और सबके भ्रम टूट चुके हैं, अब ये समाप्त होते चले जा रहे हैं, समाप्त होते चले जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री एक अवगुणी व्यक्ति को उस कुर्सी पर, प्रचार तंत्र और इस देश के धनाढ्य अरबपति खरबपतियों ने मिलकर के बनाया था, वो भी अपनी पूंजी वसूल चुके हैं। अब मुझे लगता है ये सबके लिए भी कार्य चुके हैं। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब, ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे। इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।